हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारी फाइल के लिए, जो कि है हमारे अर्थ साइन. अर्थ साइन जो कि है हमारे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न. स्टार्ट करने से पहले जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मैं देखूंगी गाइस, रीडिंग स्टार्ट जब करेंगे तो हम पहले चेक करेंगे एनर्जी ओरेकल से कि आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं मार्च 2024 में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए. चलिए देखते हैं. आ गए हैं हमारे पास. बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट. ओके, तो पहला कार्ड जो हमारे पास आया है गाइस, कॉर्नोकोपिया. कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमल. जर्नी. पेशेंस. गाइस, रिवर्सल में इसलिए नहीं लेती क्योंकि मेरे को खुद ही पता लग जाता है कॉम्बिनेशन से एंड इंट्यूशन से कि कहाँ पे रिवर्सल होगा, एंड इसलिए कार्ड्स आपको दिखाने के लिए मैं स्ट्रेट लेती हूँ. बाकी रिवर्सल कहाँ पर है वो मुझे खुद ही पता लग जाता है ना, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको इंटरप्रेट करके बताती हूँ, प्रोडिक्ट करके बताती हूँ कार्ड्स को. एंड जो कार्ड आया था कम्युनिटी का, बॉटम ऑफ द डेक डोर टू स्पिरिट. तो आपकी मेन थीम मार्च के महीने में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके लिए रहने वाली है स्पिरिचुअल. हो जाओ, नहीं हो, हो जाओ. अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप चलिए मैं वो टॉपिक अलग से लेकर आऊंगी, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, आप शिव जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, बुद्धा को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनकी राह पर चलो सच्चे दिल से, सच्चे मन से. जितना आप उनकी पूजा करोगे, उनकी आराधना करोगे, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है मार्च के महीने में. तो मेन थीम आपकी मार्च के महीने में क्या होने वाली है, आपको स्पिरिचुअल रहना है, आपको भक्ति भजन में रहना है. कमिंग बैक टू द रीडिंग, वैसे वो भी रीडिंग का ही पार्ट था, बट अगर मैं बताऊं पहला कार्ड जो कि हमारे पास आया है कॉर्नोकोपिया का, तो अगर आप ये कार्ड को ध्यान से देखें तो ये कार्ड में कमी किसी चीज की आपको लग रही है? आई डोंट थिंक सो. सन रेज है, क्लैरिटी आने वाली है मार्च के महीने में गाइज, आप लोगों के लिए क्लैरिटी, अबंडेंस, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी टाइप की खुशी या गुड न्यूज आते हुए दिखाई दे रही है आपको. साथ ही बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस करके रखें. काफी टॉरस हो को कैप्रिकॉर्न के लोग क्या करते हैं, कई बार ज्यादा कर देते हैं, एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं. इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो अगर एक मजाक भी होगा ना तो वो मजाक को इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि कब सामने वाले को बुरा लगना शुरू हो गया है. तो इसका ध्यान रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है. एंड थर्ड चक्र आ गया है आर्कएंजल कैमल, जो कि ये बता रहा है ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना, सोचना नहीं है. एंड एट द सेम टाइम आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे. किसी टाइप की एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है, एक जर्नी की शुरुआत हो रही है आप लोगों के लिए. एंड आपको बोला जा रहा है थोड़ा जो भी कोई काम करोगे उसमें इत्मीनान बरतो, थोड़ा पेशेंस रखो. साथ ही कम्युनिटी का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी गेट टुगेदर में जाएं, हो सकता है कि आपको कहीं जगह पे एज अ गेस्ट बुलाया जाए, हो सकता है लोग आपसे सलाहें सजेशंस लेने के लिए आए, ये भी मैं देख पा रही हूँ मार्च के महीने में. छोटी और क्रिस्प सी रीडिंग थी. एंड यस, स्टेबिलिटी, यस मार्च के महीने में स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे. बट यहाँ पे इशू मेन जो आ रहा है ना, मैं अगर आपको सच बताऊँ तो एक आ रहा है कि आपकी पेशेंस, दूसरा आ रहा है कि एक किसी टाइप की एंडिंग और एक नई शुरुआत होने वाली है. एंड उसकी शुरुआत, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से स्टार्ट हो जाएगा, बट शुरुआत उसकी मार्च के महीने से होने वाली है. एंड दो दो
चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि आपके मूड स्विंग्स ना हो एंड आपकी एनर्जीज गाइस बैलेंस्ड रहे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड यस, आपको 11-11 777 एंड 555 मेरे को लग रहा है आपको दिखेगा इस मार्च के महीने में। एंजल नंबर्स होते हैं, घबराने की बात नहीं है। माँ दुर्गा, माँ शक्ति या मदर यूनिवर्स आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहेंगी मार्च के महीने में। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, टैरो कार्ड्स के थ्रू कैसा रहने वाला है मार्च 2024 टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए या फिर कह लें अर्थ साइंस के लिए। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सन। अभी बताती हूँ, पता तो आपको लग गया होगा बट फिर भी बताऊंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स ओके, एंड आया है हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। मैं इसको अपराइट कर रही हूँ एंड देन डेथ का कार्ड। अब डेथ का कार्ड गलत सेंस में मत लेना, डेथ यहाँ पे बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो ओके, तो अगर आप ये देख रहे हो कार्ड को ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिविटी जा रही है और पॉजिटिविटी एक सन के रूप में, ये सन, ये सूरज उग रहा है। एंड यहाँ पे आपके पास क्या कार्ड आया है, ये वही सूरज है जो उग रहा है, ये वही सूरज है जो नेगेटिविटी को खत्म करके आपकी लाइफ में रोशनी, अपॉर्चुनिटीज, क्लैरिटी, खुशियां, अबंडेंस लेकर आ रहा है, जो कि जिसकी मैंने बहुत पहले आपसे बात करी थी, कॉर्नोकोपिया। ओके, देखो कार्ड्स कैसे रेजोनेट करते हैं, मुझे बहुत पसंद है जब कार्ड्स ऐसे रेजोनेट करते हैं एंड आई होप आपको भी पसंद आएगा ये। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, मनी मैटर रहेगा आपके लिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टेंशन फ्री रहोगे मनी से रिलेटेड, बट येस कहीं ना कहीं फिर भी मनी का ओवरथिंक करोगे, ओवरथिंक नहीं करना क्योंकि ओवरथिंक आपने किया नहीं। थोड़े मनी को आपको बोला जा रहा है बैलेंस करके चले, एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना करें, बेफालतू की चीज़ों पर खर्चा ना करें एंड एट द सेम टाइम अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखें। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स डबल कॉन्फर्मेशन है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की कमी नहीं रहेगी बट खर्चा ज़्यादा होगा तो सोचोगे कि कैसे मैनेज करना है। एंड आपको बोला जा रहा है कि ये आपने ध्यान दिया होगा तो ये कार्ड थ्री ऑफ वॉन्ड्स का, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, हो सकता है कि आप पैसा जनरेट करने के लिए कोई नया काम भी शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर काम नहीं शुरू करोगे तो काम शुरू करने का सोचोगे। ओके, एंड एट द सेम टाइम आपको बोला जा रहा है अपने पैसों से रिलेटेड या पैसे कमाने से रिलेटेड जो भी आप सोचेंगे प्रॉपर प्लानिंग करके उतरें, क्योंकि ये लेफ्ट क्योंकि रिवर्स में आया था जो कि बताता है प्लानिंग की कमी, तो आपको बोला जा रहा है प्रॉपरली प्लान करके आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। लव लाइफ अबंडेंस यस है, भर भर के है, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ सन भी आया है कॉर्नोकोपिया, इससे ब्यूटीफुल एनर्जी तो हो ही नहीं सकती। एंड फैमिली लाइफ भी अच्छी चलेगी, इट इज जस्ट दैट कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड वो ओवरथिंक की वजह से नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिविटी नहीं अट्रैक्ट करते तो हेल्थ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करते हो, तो वो चीज़ से बचना है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंड गाइस, नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे तो रात रात भर सो नहीं पाओगे, तो वो चीज मत करना प्लीज। ओके गाइस, ये मैं सारे कार्ड्स नहीं ले रही क्योंकि यू नो देर इज सर्टन मंत्रा चैंटिंग जो मैं करती हूँ कार्ड्स पुल आउट करने के लिए, एंड वो मैंने नहीं किया था और ये एकदम से निकल गए, तो मैं उसको नहीं मानती हूं।
बॉटम ऑफ द डेक आया है टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी अगेन सन 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 इतने खूबसूरत काट जाए हैं गाइस, मतलब मैं तो हैरान हूं इतना ज्यादा, इतनी बारी सन आ गया, उससे ज्यादा मैं कहूँ ही क्या, पॉजिटिविटी आ रही है। इट इज जस्ट दैट कि आप कितने पॉजिटिव रहते हैं इस दौरान। चलिए देखते हैं, सी दी सिंक्रोनोसिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, 777 1111 555 1010 999 भी आपको नजर आ सकते हैं, एंजेलिक नंबर्स हैं। एंड अभी तक तो आपको पता ही लग गया होगा एंजल नंबर्स क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिससे मदर यूनिवर्स, माँ शक्ति, माँ दुर्गा या आपके इष्ट देव आपसे इंट्रैक्ट करना चाहते हैं। असेस योर रिलेशनशिप अगेन, इक्वल गिव एंड टेक, ओके, अगेन ये बैलेंस की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, ओके तो एनर्जीज को, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलें। एंड ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशंस, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि आप अगर मजाक करते हैं तो मजाक को इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि सामने वाले को आपको पता ही नहीं लगता सामने वाले को कब बुरा लगना शुरू हो गया आपकी बातों का। तो आपको अपने जो भी बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दें कि ऐसी बात ना कर दें कि सामने वाले को चुभ जाए या हर्ट कर जाए, ओके। एंड आप लोगों के लिए छोटी सी एक रेमेडी दूंगी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मैक्सिमम 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 जितना हो सके ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें, ग्रीन कलर का हैंकी रख लें अपने पास, ग्रीन कलर का पेन रख लें, जो ऐसी चीज़, या ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहन लें। आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आप ग्रीन एवेंचुरीन या ग्रीन जेड, आप चाहें तो मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं, मुझसे अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंशनड है, आप ऑर्डर कर सकते हैं उसे पहने, क्योंकि यस आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, आपको हो सकता है ऐसा, अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, आपको हर चीज़ में सबूत चाहिए, हर चीज़ को आप क्रॉस चेक करते हो, बुरी बात नहीं है, बट कई बार एक्सट्रीम में भी होता है ना, किसी और के साथ करते हो तो सामने वाले को लगता है कि इतने टाइम से मुझे जानता है या जानती है, उसको विश्वास नहीं हुआ, तो वो बुरा ना लग जाए, मैक्सिमम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें, ओके। चलिए देखते हैं, दो ही कार्ड्स पुल आउट करूंगी, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं मार्च 2024 में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, ये कार्ड आ रहा है, तो पहला कार्ड आया है रूबी, मटेरियल गेन, किसी टाइप का पैसा या अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, पावर आपको हाथ में मिलेगी, पावर का मतलब हो सकता है कोई लीडरशिप पोजीशन आपको मिले या प्रमोशन मिले जहां पे आप किसी को गाइड करें, लव एंड रोमांस जो कि है लाल रंग, लाल इश्क बोलते हैं ना, सो यस लव और रोमांस भी आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी लवी डवी रहने वाला है माहौल अगर आप मैरिड हैं तो, एंड अनमैरिड हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अटेंशन आपके अपने ऑपोजिट जेंडर से, एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी पे क्रश ऑन कर रहे हैं तो उनसे बात भी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। वाइट ईगल, तो हो सकता है किसी टाइप का गोल आप अचीव करें, किसी टाइप की आपकी एक तरक्की, आप अपने आप को महसूस करें कि आपकी तरक्की हुई है लाइफ में, अगेन पैसा और रुतबा आपको मिलने वाला है सोसाइटी में, खुशियां और कामयाबी, तो बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं गाइस, अर्थ साइन, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना और बहुत मामूली सी बातें हैं, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की तो कहते हैं ना हार नहीं होती, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि लोगों को अपनी बातों से हर्ट ना करो, एंड अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखो, ओवरथिंक ना करो पैसों के बारे में, सब कुछ होगा, विश्वास रखो भगवान पे, अपने इष्ट देव पे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी पूरी एनर्जी इस पर डिपेंड कर रही है, डोर टू स्पिरिट, आपकी भक्ति पे, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, तो जितना हो सके ना गाइस पूजा पाठ करें, नियम से करें, सुबह जल्दी उठ के करें, आजकल मैं देख रही हूँ लोगों का सिनारियो ही अलग हो गया है, 11-12 बजे आराम से उठ के, एंड ये सोचते हैं भगवान तो चारों तरफ हैं 24 घंटे प्रेजेंट हैं, नहीं,
ऐसे ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने एक ब्रह्म मुहूर्त बनाया था या सुबह का टाइम बनाया था पूजा पाठ के लिए, तो उसी के हिसाब से चलें तो काफ़ी बेटर रहेगा एंड ट्रस्ट मी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ओके, इसी के साथ मैं ये रीडिंग एंड करूंगी एंड ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। 1111 भी लिखिएगा, 1111 मैनिफेस्टेशन का नंबर है, तो जब आप यू नो पॉजिटिव रीडिंग को अट्रैक्ट करेंगे तो साथ में 1111 ज़रूर लिखिएगा। मैं आऊँगी बहुत जल्द आप लोगों के साथ और रीडिंग्स लेके। ओम मणि पद्मे हम एम जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।